हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया कॉइन के कॉइन मार्केट, कॉइन कैप और कॉइन के फ्यूचर प्लान के बारे में। इन सारी इन्फॉर्मेशंस के रिलेटेड हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं कितना ये कॉइन अप जाएगा, कितने डाउन, आज इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट प्राइस में क्या वैल्यू आज इंक्रीज़ होने वाली है और मार्केट में ये कॉइन कहाँ तक टिकेगा और कहाँ तक इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है। इन सारी बातों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज हम देंगे आपको इस वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये करंट वैल्यू इसमें 8.53% के ग्रोथ रेट से इंडिया कॉइन आगे बढ़ रहा है और कंटिन्यू ही बढ़ता जा रहा है, और कंटिन्यू सुबह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका ग्रोथ जो ग्राफ है थोड़ा अप थोड़ा डाउन करते करते 8.53% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि इसकी मार्केट कैप तो आपको पता ही है, कांस्टेंट मार्केट कैप से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए हमारे साथ कैसे बिजनेस, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे हमारे बिजनेस करने के टेक्निक बदलते जा रहे हैं। आओ देखते हैं आगे दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो अगर हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक इंडिया कॉइन है, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों 2.7 ट्रिलियन टोकन्स है। अभी जो मार्केट कैप है 1.1 मिलियन, मतलब ये कॉइन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और मार्केट कैप अभी बहुत कम है। अगर आप अभी ख़रीदना चाहते हैं तो अच्छे खासे 1 रुपये में भी आपको कॉइन्स में देखने मिलने जाएंगे, और जिसका आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। बट ऐसे कॉइन्स में दोस्तों मेन चीज़ ये होती है कि आपको इसको होल्ड करके रखना होता है। जितना आप होल्ड करके रखेंगे, जितना पेशेंट अगर रखेंगे, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट्स आपको आगे देखने को मिलता है। अगर आप होल्ड ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट सेल भी इसको कर सकते हैं। तो एक नज़र डालते हैं इसकी वेबसाइट पर और देखते हैं क्या अपग्रेडेशन इसमें अभी और होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडिया कॉइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट्स में दी गई जानकारी हम आप लोगों को शेयर करेंगे। आप इनके जैसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप इनके टेलीग्राम लिंक से भी आप इनके जुड़ सकते हैं, इनका टेलीग्राम लिंक है, और बाय नाउ से या पैनकेक्स ऐप से डायरेक्टली आप बाय भी कर सकते हैं, और बाय करने के और भी बहुत सारे मेथड इसमें अवेलेबल हैं। आप ला टोकन से भी कर सकते हैं, और भी जगह लिस्टेड हुआ है। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप ये इन्होंने लिखा है वाई इन्वेस्ट इन इंडिया कॉइन। भैया मार्केट में और सारे भी कॉइन्स हैं, लेकिन आप इंडिया कॉइन में क्यों इन्वेस्ट करें? इंडिया कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए मेन चीज़ ये है कि बेसिक इंडिया कॉइन है तो इंडिया का एक ट्रस्ट है, और गवर्नमेंट भी धीरे धीरे इसको सपोर्ट करने जा रही है, तो एक अच्छा चीज़ इसमें ये भी उभर के सामने आने वाली है। आगे कहा तो ये भी जा रहा है कि बैंक भी, इंडियन बैंक्स भी धीरे धीरे इसको अपने उसमें लेके आएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये एक और अच्छा रिजल्ट्स आप लोग के सामने आएगा। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन्स में हमने आपको जैसे वहाँ पर दे चुके थे, है ना, तो आप देख लीजिए इसकी सप्लाई जो है आप लोग के सामने दिख रही होगी। ये इसकी सप्लाई है, और इनिशियल बर्न कितना है, लिक्विडिटी 25% लॉक है, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। अधिकतर कॉइन्स में 5 या 10% की लिक्विडिटी लॉक होती है, लेकिन अब 25% तो लिक्विडिटी लॉक है। तो एक तो इसका ये भी एक अच्छा पॉइंट इसका है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। और टेन परसेंट ग्रोथ बहुत जल्दी इसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। अभी आप हमने आपको दिखाया था 8% तक की, तो ये भी प्रॉफिट में चली रहा, आगे कंटिन्यू ये इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा अप एंड डाउन तो दोस्तों मार्केट चलता है, कि कुछ लोग होते हैं होल्ड करते हैं, कुछ लोग होते हैं बाय किया और फिर सेल कर देते हैं, तो सेल आउट करने के वजह से ही दिक्कत आपको आती है। और एक और चीज़ यह है कि 3% बर्न एवरी ट्रांजेक्शन इज सेंट टू डेड एड्रेस टू रिड्यूस सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज़ है 3% का रिवार्ड भी आपको देगी बाय सेल पर ट्रांसफ़र जो भी आप करते हैं, तो होल्डर्स के लिए 3% का रिवार्ड बहुत अच्छा है। फ्यूचर मैप देखो दोस्तों, फ्यूचर मैप के बाद में हम पहले ही बात कर चुके थे कि क्या क्या फ्यूचर मैप इसका होने वाला है। तो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं आप देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या क्या करा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग करी है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, सारी चीज़ें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आपको ऐसे समझ में अगर ना आ रहा हो तो आप इसको होल्ड करके पॉज करके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं।
2022 में आपको इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप इस कॉइन को बाई करते हैं और आप वाकई में इस कॉइन में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2022 अक्टूबर ये तक 2022 तक है ना इसको होल्ड करके रखना है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था इंडिया कॉइन जो काफ़ी अच्छा मार्केट में अजीब परफॉर्मेंस कर रहा है। बहुत सारे लोग इसे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और बेसिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप एले टोकन से आसानी से इसको बाय कर सकते हैं, USDT में आसानी से बाय हो जाता है। तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।